जय किसान साथियों, ये जो बोतल देख रहे हैं आप, ये मोनोसील की यूपीएल कंपनी से फोस्किल नाम से आती है। इसके बारे में आज बात करेंगे हम। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जानी टेक फार्मिंग, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो इसके बारे में बात करेंगे किसान साथियों। मैंने एक बार एक वीडियो डाली थी, उसमें बताया भी इसमें से कौन सी ओरिजिनल है, कौन सी डुप्लीकेट है, असली और नकली कौन सी है। तो अब तो कोई फायदा ही नहीं रहा असली नकली का, क्योंकि सरकार ने इसे पूर्णतः बैन कर दिया है, ये बंद कर दी है हर कंपनी से, हर तरह से। अब मोनोसील नहीं बनेगी किसी भी तरीके से। जो इसमें साल्ट होता है, उस साल्ट से कोई भी दवाई अभी नहीं आएगी मार्केट के अंदर। और अभी जो आपको स्टॉक है, सिर्फ वो स्टॉक निकाला जा रहा है। तो ज़्यादा चक्करों में ना पड़े किसान साथियों, ज़्यादा पैसे देख के ना बर्बाद करें। इसका बंद करने का कारण यही था कि इसका उपयोग ज़्यादा होने लग गया था और ये नुकसान करने लग गई थी पौधों में, वनस्पति में और इंसानों पे। तो इस कारण गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया है। इसके साथ ही और भी 20 से 25 दवाई है जिसको बैन कर दिया है इसी साल 2023 में। और ओरिजिनल की बात करें तो ये तीनों ही बोतल ओरिजिनल है। ये लोगो भी ओरिजिनल है और ये लोगो भी ओरिजिनल है। ये लोगो अगर आपको 2019 के बाद में, यानी कि 2020 में, 22 में और 23 में, अगर इसी साल आपको ये बोतल मिली थी इस लोगो की, तो ये डुप्लीकेट है, क्योंकि ये 2019 के बाद में ये लोगो चेंज हो गया था। उसके बाद कंपनी ने ये अपना नया लोगो लगा दिया था यूपीएल का, जिसमें यहाँ स्कैनर आता था। और ये बोतल मेरे को 2022 में मिली थी, जो कि पूर्णतः नकली थी, बिल्कुल कॉपी थी, और इसका ज़मीन पे कोई असर नहीं हुआ। और ये बोतल एकदम असली ओरिजिनल है। और इसकी पैकिंग भी दिखा देता हूँ आपको मैं, आपको शायद नज़र आ रही है। 2022 और 24 725 रुपये की थी, और इसमें 650 रुपये की 2021 में पैकिंग और 23 तक थी। और इस पे कोई कुछ नहीं लिखा हुआ, कब की पैकिंग थी, कब की नहीं, कहाँ बनी थी, क्या था, इस पे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो किसान साथियों, दवाई का विशेष ध्यान रखें, ओरिजिनल है या नहीं। धन्यवाद किसान साथियों, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।